कानपुर में हीरा कारोबार उदय देसाई पर बैंकों की दरियादिली हैरान करने वाली। ओवरसीज बैंक ने उदय देसाई को खैराज की तरह बांटा लोन। 5 करोड़ की संपत्ति बंधक रखकर 500 करोड़ का ऋण सौंप दिया। देसाई को ऋण बांटने के लिए देश के 14 बड़े बैंकों में लगी थी होड़। जनता व सरकार के 3600 करोड़ रुपए डुबाने वाले बैंकों से किसी ने लोन के बदले 10% कीमत के बराबर भी संपत्ति बंधक नहीं रखी। बैंकों की इस दरियादिली में स्थानीय अफसरों से ज्यादा बैंकिंग व्यवस्था के आला अफसरों की मिलीभगत सामने आ रही है। उदय देसाई को 3600 करोड़ का लोन देने वाले 14 बैंकों के पास सिर्फ 185 करोड़ की संपत्तियां बंधक है, यानी डूबे ऋण की मात्र 5% ही वसूली हो सकेगी। मामले की सीबीआई कर रही है जांच। देसाई बंधुओं की कंपनी पर सीबीआई करा चुकी है एफआईआर। तो हमारे संवाददाता नीरज अवस्थी इस पूरे मामले पर जुड़ रहे हैं। तो नीरज, ये पूरा मामला कैसे है कि केवल 180 करोड़ के आसपास की संपत्ति अपने पास एज ए गारंटी रख के 3600 करोड़ रुपए के आसपास इतना बड़ा घोटाला कैसे? जी बिल्कुल अभिषेक, जैसे जैसे इस मामले में जांच हो रही है, सूत्रों द्वारा जानकारी मिल पा रही है, सीबीआई शिकंजा कस रही, तो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये खुलासे जो आम आदमी को बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं लोन की अपनी गारंटी रख के, तो इस मामले में बैंकों के दरियादिली देखने को मिली है। जो अधिकारी है उनका घालमेल साफ तौर पर, और साफ है कि सीबीआई आगे जब जांच कर रही है तो जरूर बैंकों के अधिकारी और प्रबंधन के लोग इसमें फंसेंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज है कि जब बड़ी गारंटी लेने के बाद आपको उससे बड़ा लोन दे दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जबकि इससे अब वसूली भी नहीं हो पाएगी। अगर बैंक के सारी उनकी संपत्तियां नीलाम करके कुल करके पूरी वसूली करेगी तो वो भी नहीं हो पाएगी। साफ तौर पर एक बड़ा घोटाला है और जनता और सरकार के पैसों को चूना लगाया गया है। जी अभिषेक, नीरज, इसको हम बैंक की दरियादिली कहें या बैंक के जो आला अधिकारी हैं उनकी दरियादिली कहें, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि जब इतने बड़े अमाउंट पे लोन दिया जाए वो भी इतनी कम रकम की गारंटी रखकर, तो इसमें साफ तौर पर सामने लगता है कि जो आला अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मिले हुए हैं और उनकी भी मिली भगत है इस पूरे इसमें। जी बिल्कुल अभिषेक, बिना मिली भगत किस तरीके की चीजें सामने नहीं आ सकती थी। उस पर साफ तौर पर यह है कि जैसे जैसे सीबीआई जांच कर रही है उसमें अधिकारियों को, बैंक अधिकारियों को फंसना बिल्कुल लाजमी है और बड़े बड़े खुलासे सामने आएंगे, क्योंकि इस तरीके से जो खैरात को लोन बांटा गया है इसके बाद सरकार का और जनता का पैसा जो डूबा है, तो साफ तौर पर है कि बिना अधिकारियों की मिली भगत के और बिना उनकी साठगांठ के, बिना उसमें किसी लालच के ऐसा नहीं संभव हुआ होगा अभिषेक, जो आगे आने वाले दिनों में सीबीआई की जांच में दिखेगा। जी अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज आपका हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए।